हरे कृष्णा दंडवतना। तो आज का जो श्लोक है वो मैं पढ़ती हूँ। ये अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रम विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ये जो शास्त्र विधिम शास्त्रों के विधानों विधान को उत्सृज्य त्याग कर यजन्ते पूजा करते हैं श्रद्धया पूर्ण श्रद्धा से अन्विताः युक्त तेषां उनकी निष्ठा श्रद्धा तू लेकिन का कौन सी कृष्ण हे कृष्ण सत्वम सतोगुणी आहो अथवा अन्य रजह रजोगुणी तमह तमोगुणी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तात्पर्य, चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त होती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस श्लोक पर कुछ चर्चा करनी है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी यदि हम बच्चों का हम देखें स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में किसी प्रोफेशनल कॉलेज में तो हर स्तर के बच्चे होते हैं, हर स्तर के लोग होते हैं। तो यदि हम स्कूल का एग्जांपल ले लें
तो कुछ बच्चे ऐसे होते बहुत सिंसियर होते जो अपना टीचर पढ़ाएगी वो समझ लेते हैं, वो जैसे बोलेगी वैसा करते हैं, बहुत सिंसियर, उनको टीचर को खुश करना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमेशा टीचर को किसी ना किसी तरीके से तंग करना ही है। हाँ, वो बोलेगी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, विपरीत कार्य करना है। तो ऐसे वाले भी बच्चे होते हैं, और कुछ होते हैं जो बीच में होते हैं। बीच में जैसे कभी फ्रेंडशिप एकदम होशियार वाले बच्चों से करेंगे, और कभी उनका फ्रेंडशिप रहेगा नटखट वाले बच्चों से। तो कभी टीचर देखेगी कि यार ये होशियार वाले बच्चों के साथ अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो टीचर को लगेगा अच्छा अच्छा है। लेकिन कुछ समय के बाद देखेगी यार ये तो बहुत गड़बड़ वाले बच्चों के साथ बैठा है, उनके साथ रह रहा है, उनकी संगत में तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो इनफैक्ट जो यदि हम तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दो एंड्स होंगे, जो बहुत अच्छे हैं और जो बहुत गड़बड़ वाले हैं, जो बहुत पढ़ाई करते हैं और जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, और कुछ जो बच्चे रहेंगे वो बीच में रहेंगे, इन बिटवीन, है ना। हम हमेशा ये साइनस कर्व का बात करते हैं, कोई भी एस्पेक्ट हो जीवन में। जैसे इवन रिसर्च भी यदि करना है तो रिसर्च में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जो टेस्ट लगाएंगे वो अलग रहेंगे और वो जो सिग्निफिकेंस लेवल आएगा वो बहुत अलग रहेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम देखते हैं कि कुछ एक्सट्रीम एंड्स वाले डाटा होते हैं, है ना, कुछ एकदम अच्छा रीडिंग वाला और कुछ एकदम कम रीडिंग वाला। बट मेजोरिटी डाटा किस चीज में है? मेजोरिटी डाटा कहाँ है? तो वो जो बड़ा अम्ब्रेला है, यू नो, साइनस कर्व का, उसके नीचे, उसके इसके डोम के नीचे सारे बैठे हुए हैं। तो अर्जुन का भी अभी यही हाल हो चुका है। अर्जुन बोल रहा है, भगवान आपने तो पहले वाले जो अध्याय है उसमें मुझे बता दिया कि डिवाइन और डेमोनियक, दैवी प्रकृति वाले और आसुरिक प्रकृति वाले कौन कौन है। तो अभी तो मैं तो क्लियर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये दैवी है, ये आसुरिक है। इनफैक्ट अंदर ही अंदर उनको तो पता चल गया ना कि मैं तो दैवी प्रकृति वाला हूँ और जो दुर्योधन है ये तो आसुरी प्रकृति वाला है, और आपने तो दोनों के डेस्टिनेशन को भली भांति बता दिया है। परंतु मेरे ही जो पहचान में है, या मैं इतने अनगिनत लोगों को जो जानता हूँ जो शायद ये नहीं और ये भी नहीं, जो बीच में कहीं तो अटके हुए है ना, तो उनका क्या होगा? भगवान, आपने एक का तो डेस्टिनेशन बता दिया, क्लियर कट पास हो गया, और दूसरे का डेस्टिनेशन वो तो फेल, कंप्लीट फेल, उसको तो जन्म लेना ही है दोबारा, उसको अपने पाप कर्म भुगतने ही है। लेकिन बीच वाले लोगों का क्या हाल है, ये कैसे समझा जाए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ, क्योंकि एक्चुअली अर्जुन ना संतुष्ट रह सकता था ना, वो तो अपना डिवाइन क्वालिटीज है उसमें और वो तो भगवत धाम जाएगा ही, तो उनको तो खुश होना चाहिए था। अरे ठीक है, अरे वाह वाह, चलो डिस्कशन एंड। परंतु उन्होंने डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू क्यों किया? तो इसका एक छोटा सा आज जो मेरा जो रूटीन में जो देखने को मिलता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, और जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रही हूँ, तो वहां का एक 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 घटना जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे होता है। जहां भी किसी भी इंस्टीट्यूट में है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहीं भी है, अलग अलग स्तर पर लोग काम करते हैं, और कभी भी ज्वाइन करते वक्त जब व्यक्ति नया नया काम शुरू करता है तो वो सबसे निचले स्तर पर शुरू करता है, और स्वाभाविक है कि उसे वो कार्य करेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसको धीरे, मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको आगे के स्तर पर वो बढ़ेगा या उसका प्रमोशन होगा, है ना। तो ऐसे ही जब चर्चा जब आती है किसी इंस्टीट्यूट में कि प्रमोशन कैसे होना चाहिए, हाँ, यदि एकदम ब्लैक और व्हाइट क्राइटेरिया पेपर में यही है, जैसे हम यदि मेडिकल कॉलेजेस या कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन आजकल देखेंगे, तो उनके लिए आप यदि पढ़ाने वाले फैकल्टीज हो तो आपको प्रमोशन के लिए ये क्राइटेरिया, ये पब्लिकेशन, इतना इतना कार्य होना जरूरी है। हाँ, तो ये क्राइटेरिया होता है, ये सेट रूल होता है, यदि ये नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा।
कभी इन दूसरी केसेस में अलग भी कुछ क्राइटेरिया होते, ये सीट अवेलेबल है तो आपका होगा, ये सीट अवेलेबल नहीं है तो आपका नहीं होगा, तो वहां तो भले ही इंसान क्या करे, परंतु जहां ये क्राइटेरिया है कि आपको ये अचीव करना है तब आपका प्रमोशन होगा, तो व्यक्ति का क्लैरिटी है, ओके मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे ये करना है, तो वहां भी हम देखेंगे कि अलग अलग स्तर के लोग रहते हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है ना? यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू। तो वहां भी अलग अलग स्तर के लोग रहते कि जो बहुत क्राइटेरिया बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करते हैं, और इनफैक्ट वो क्राइटेरिया को सरपास करके बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब कहीं होगा कि अरे पब्लिकेशन आपको एक करना है तो वो लोग 10, 12, 13 कर देंगे, कहीं कोई फंडिंग वाला कोई रिसर्च करना है तो एक के जगह पे वो लोग 10 कर देंगे, तो उतना कैपेसिटी वाले लोग होते हैं। और कहीं दूसरे एंड पर ऐसे लोग होते कि अरे मुश्किल से अपना रूटीन वाला काम कर पाते हैं, तो काहे का पब्लिकेशन करेंगे और काहे का कोई रिसर्च करेंगे। और जो बीच वाले तो क्लैरिटी है, जो जो कमिटी बैठने वाला है ना, जो अथॉरिटी डिसाइडिंग अथॉरिटी है, उसको क्लैरिटी है, ओके इसने इतना काम किया ये तो होना ही है, इसका तो होना ही है प्रमोशन, और इसका अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया तो इसका तो नहीं होना है अकॉर्डिंग टू सेट क्राइटेरिया। हाँ, तो अभी जो डिवाइन और डेमोनिक नेचर में भगवान ने कुछ सेट क्राइटेरिया दे दिए, लेकिन तो अर्जुन का ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि वो जो बीच वाले जो होते हैं ना, अंडर द बेल ऑफ द कर्व, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है बेल, तो उसके नीचे मैक्सिमम पॉपुलेशन रहने वाला है, तो भगवान उसका क्या होगा? ये स्वाभाविक है, आपने तो बता दिया जो मेरा पूजन करेंगे वो मेरे धाम आ जाएंगे, मुझमें श्रद्धा रहेगी, और जो नहीं करेंगे विपरीत, जो आसुरी प्रकृति वाले हैं उनका तो अधःपतन होने वाला है, तो बीच वाले लोगों का क्या होना है? अभी बीच वाले लोग कैसे है वो भी देखिए, आपने बोला श्रद्धा चाहिए, अरे इन लोगों में तो श्रद्धा है ना, परंतु श्रद्धा किस पर है? श्रद्धा शायद शायद अन्य किसी देवी देवता पर है, या श्रद्धा शायद मनुष्य पर है, जो रजनीकांत को भी भगवान बना दिया, किसी ने अलग अलग प्रकार के हीरो हीरोइंस को भगवान बना देते, कभी तो मतलब इनका तो इतना ही प्रेम है कि उनके लिए मंदिर भी खड़ा कर दिया, इतना प्रेम है। तो क्या ऐसे लोगों का क्या होना है भगवान, आप बताइए, इनकी श्रद्धा इनको कहाँ लेके जाएंगी, इनकी निष्ठा इनको कहाँ लेके जाएगी, इसका उत्तर हमें चाहिए। जो जो टीचर होती है जिसको बीच वाले बच्चों को एग्जामिन करना होता है, भाई इसको पास करूँ या फेल करूँ, या इसको आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत बार कंफ्यूजन में हो जाती है, कितना मार्क दूं इसे, जो जो बहुत होशियार है तो ऑब्वियसली उसको धड़ाधड़ मार्क्स देके पास कर देगी, जो बहुत ही बुद्धू है उसको तो भैया 0 या 0.5। बीच वाले बच्चों को जज करना सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है। तो इसका जो क्राइटेरिया है, अभी भगवान इस 17वें अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाने वाले हैं कि कैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स है ये श्रद्धा के जो विभाग है। इसके पूर्व 14वें अध्याय में गुणों की चर्चा भगवान ने करी है, तो गुणों के बारे में तो अर्जुन को पता है, इसीलिए तो वो पूछ रहे कि वो कौन से गुण में रह गए ऐसे लोग कि जो भगवान को तो नहीं पूज रहे, शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र में नहीं बताया है, अपनी मनगढ़ंत अपनी खुद की जो इच्छा के अनुसार, विम्स एंड फैंसीज जो हम बोलते हैं उसके अनुसार वो किसी और का श्रद्धा पूर्वक, परंतु वो यजन कर रहे किसी और व्यक्ति या देवी देवता या किसी और वस्तु का वो भजन कर रहे, तो इनका क्या स्थिति है, वो कौन से गुण में स्थित है? श्रद्धा तो है ना उनमें, और आपने बोला श्रद्धा एक महत्वपूर्ण गुण है सतोगुण में, तो श्रद्धा तो है, तो ये लोग कौन है, ये सतोगुणी है, रजोगुणी या तमोगुणी है, कैसे समझा जाए? अब भगवान गुणों में श्रद्धा के विभाग बता रहे हैं, जिसमें वो इन गुणों के हिसाब से जो श्रद्धा है उसमें अभी अभी वो जो विस्तृत चर्चा आएगा कि हमारी श्रद्धा ही डिफाइन करती है ना, कि हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण करेंगे, हम किस प्रकार की जो कार्य करेंगे उसको हमारी श्रद्धा डिफाइन करती है, हम किस प्रकार की तपस्या करेंगे ये भी हमारी श्रद्धा डिफाइन करेगी, तो और हम कैसा दान यज्ञ तप ये सब करते हैं ये हमारी श्रद्धा पर आधारित है। तो श्रद्धा सत्वगुण में हो तो कैसा होगा, श्रद्धा रजोगुण में हो तो कैसे कैसे ये सारी चीजें होगी, और श्रद्धा
जब तमोगुण में होती है तो ये सारी कैसे चीजें होती है। जैसे हम कभी कभार सुनते हैं कि यूजुअली जब पॉलिटिकल कैंपेन्स हो रहे हैं तो लोगों ने दान किया, हाँ कैंपेनिंग के वक्त दान किया, और दान में क्या किया तो दारू दिया, हाँ लोगों को दारू चाहिए था, इन्होंने दारू का यू नो चैरिटी किया, दान किया। हाँ तो ये चैरिटी सही है क्या? ये कौन से गुण की चैरिटी है? सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। क्या ये दान करने योग्य है? क्या करने वाले तो कर रहे हैं, मांसाहार का दान कर रहे हैं, हाँ अलग अलग सिगरेट्स का दान भी करते हैं लोग, देते हैं, हाँ ये सारी चीजों का दान करते, तो क्या ये करने योग्य है क्या? तो ये सब हम अभी समझेंगे इन आने वाले कुछ श्लोकों में, जहां हमको भगवान पूरा क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि अर्जुन को तो समझ गए, वो तो अपना उनका पोजीशन सिक्योर है, लेकिन जो अन्य है ना, उनको लगेगा कि अरे हाँ हम में भी तो श्रद्धा है, हमको भी मिल जाएगा भगवत धाम, तो वो वास्तविक हमको मिलेगा क्या? यदि हमें ये जो वर्णित की हुई त्रुटियां है तो शायद हम नहीं उसके अधिकारी हो पाएंगे, शायद हमारी वो क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इन जो एस्पेक्ट्स को समझना, ये अलग अलग विभाजन किस प्रकार से गुणों के आधार पर किया हुआ है, और श्रद्धा के जो ये विभाजन है, इनको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अनाज है, कोई अत्यंत सात्विक व्यक्ति होगा और जिसको अपना हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, वो भोजन स्वाभाविक सात्विक ही भोजन लेगा ना, वो ज्यादा मिर्च मसाला तला भुना ये सारी चीजें नहीं लेगा, क्योंकि उसका फेथ है, उसकी श्रद्धा है, उसे ज्ञान है, वो उस प्रकार से काम करेगा। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति है कि जिसे अपनी जो जिह्वा की तुष्टि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर वो राजसिक और शायद तामसिक जो आहार है उन पर भी निर्भर रहेगा। हाँ उसे सात्विक शायद बिल्कुल नहीं पसंद आता। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारी इंस्टीट्यूट में जब प्रोफेशनल एग्जाम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जो बाहर वाले एग्जामिनर है उनको हम क्यों ना इस्कॉन का भोजन है ना प्रसाद रूप में हम उनको खिलाए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जो कुछ लोग होते हैं है ना, कुछ डिपार्टमेंट के जो लोग थे, उन्होंने बहुत खुशी से वो एक्सेप्ट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। परंतु कुछ ऐसे लोग आए कि जो बोल रहे, अरे तुम क्या खिला रहे हो हमें, इसको खाना कहते हैं, इस तरीके का उनका रिएक्शन था। तो ऑब्वियसली वो तो इमिजिएटली रियलाइज हुआ कि ये व्यक्ति किसी श्रद्धा के अलग स्तर पर है, निचले स्तर पर बेसिकली, कि जिसे इतना सात्विक और अच्छा भोजन पसंद नहीं आ रहा है ना। इतना यूजुअली जो प्रसादम डिवोटीज बनाते हैं, तो इट्स वेरी मच अमेजिंग, बहुत जो प्रसादम है इस्कॉन, प्रसादम किचन रिलीजन बोलते हैं ना इस्कॉन को, तो प्रसादम के लिए फेमस है। से विरले ही कुछ लोग मिलते हैं कि जिनको यू नो ये भोजन, मतलब जो रिएक्शन मैंने देखा, तो उससे मुझे क्लैरिटी एकदम आ गया कि अरे माय गॉड, ये व्यक्ति है ना भैया, ये तो किसी एकदम गए गुजरे स्तर वाला है, इसको ये भोजन कहीं का पसंद नहीं आने वाला है, मतलब ये सात्विक भोजन इसके, ही इज नॉट वर्थ द सात्विक भोजन, ये ही इज नॉट वर्थ इतना सुंदर जो भगवान का प्रसाद हम जो मर्सी मिल रहा है, इज नॉट वर्थ। तो ये स्तर होते हैं, तो ये बेसिकली कहाँ से होता है? श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा, फेथ विल डिटरमाइन कि क्या हम किस प्रकार का भोजन लेंगे, किस प्रकार का दान तप करेंगे इत्यादि। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि शायद हमें लगता हो कि हम बहुत अच्छा सब चीजें कर रहे हैं, परंतु जब हम ये अध्याय धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो हमको समझेगा कि अरे इसमें जो दिए गई है ना चीजें तमोगुण की, रजोगुण की, अरे मैं भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे बदलने की जरूरत है। तो ये भी हमारा जैसे ना चक्षु ज्ञान,
हमारी आंखें खुल जाएगी ये ज्ञान प्राप्त करने से, है ना। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम धीरे धीरे इन चीजों को समझे और हमारा क्षमता के हिसाब से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमारी जो क्षमता है धीरे धीरे कर बढ़ा सके। और ये तभी संभव है जब हम सारे वैष्णवों के एसोसिएशन में रहेंगे, वैष्णवों का जो हम सत्संग करेंगे और हम भगवान के हरिनाम का, जब हम हरिनाम लेंगे कीर्तन के स्वरूप में या जपना जपा के स्वरूप में, तब यह कर पाना हमारे लिए संभव हो पाएगा। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इन इस श्लोक के का, और जो मैंने पढ़ा हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु जी के जो उन्होंने गीता सुबोधनी में बताया है, तो उसके अनुसार जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आप अभी प्रेजेंट किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब लास्ट मोमेंट पे आपको बताया एंड यू हैव डन अ वेरी वंडरफुल समराइजेशन। सिर्फ मैं एक चीज उसमें विथ योर परमिशन ऐड करना चाहूंगा कि ये 16 और 17वां अध्याय कैसे लिंक होता है, क्योंकि ये अपना 17वां अध्याय आज शुरू हो रहा है, तो ये जानना भी समझना भी हमारे लिए जरूर है। तो इसका लिंकिंग एकदम स्वाभाविक है। जैसे 16वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने बता दिया है कि जो वेदों को मना करेगा उन्हें कभी भी परफेक्शन नहीं मिलेगा, और जो वेदों का स्वीकार करेगा उन्हें ही परफेक्शन मिलेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वेदा को फॉलो किया जाए, जैसे कृष्ण ने वहां पे क्लियरली बोला था, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता। मतलब जो काम के हिसाब से काम करेगा वे सेल्फ सेंटर्ड बन जाएंगे। और इसीलिए फिर अर्जुन यहाँ पर ये जो दूसरी संभावना है कि जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को, वेदों को मना कर दिया और किसी और मन के हिसाब से, किसी और सोच के हिसाब से यदि वो कार्य करे तो क्या होगा। तो ये 17वां अध्याय जो था, यह जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 भागों में किया जाता है। पहले 4 श्लोक का जो है वो हमें बताएंगे कि ये जो हमारी श्रद्धा है वो हमारे गुणों के हिसाब से कौन से स्तर पर है। फिर 5वां और 6ठा जो श्लोक जो है वो हमें असुरी तप के बारे में समझाता है या उसके क्या नुकसान है, जब हम असुरी तप करते हैं उसमें क्या होता है वो समझाता है। फिर 7 से 22वां जो श्लोक है वो हमें फूड सेक्रीफाइस ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी FSAC जिसे हम बोलते हैं कि हम 3 गुणों में जो प्रसादम है, जो हमारी त्याग है, जो हमारे तप है और जो हम दान करते हैं, वह समझने के बाद में कृष्ण जो क्या बताते हैं, ओम तत् सत। तो यह केवल कहा नहीं है, तो उसका जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है और कॉन्शियसनेस है, सोच है, वह उस भाग में आता है। और आखिरी के जो श्लोका है 6:23-28 उसमें कृष्ण इसी बात को बताते कि कैसे हम किसी भी यज्ञ को आध्यात्मिक बनाए और उसको आगे बढ़ाए। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये काफी अच्छे से समझाया था कि जैसे ये श्रद्धा विधि मुत्सृज्य की, जो ये शास्त्रों को छोड़ देते हैं उनके यजंती श्रद्धयावंत, वो श्रद्धा जो वर्शिप जो है वो मन से या फेथ से कर रहे है, वैसे तेषां निष्ठा तुका कृष्ण, तो उनकी ये जो निष्ठा है उसका है कृष्ण, क्या होगा जो है 3 अलग अलग गुणों में कर रहे हैं, सत्वम अहो रजस्तमः। तो कृष्ण ने यह बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और उसी का एक मेटाफोर जो है, ये जो हमारा भौतिक जीवन है, यदि आपको याद होगा सनातन धर्म प्रभु जी ने पिछला चैप्टर स्टार्ट करते हुए बताया था कि जैसे ये जो मटेरियल ट्री ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस है, कि ये जो हमारी एंजॉय करने की ये जो मेंटेलिटी है, यह इस जो पेड़ है इसकी वो बीज है। और 15वें चैप्टर में वो पूरा जो पेड़ था उसका डिस्क्रिप्शन आया। 14वें चैप्टर में हमने देखा होगा कि उस ट्री को क्या क्या चीजें आगे बढ़ाते हैं, उसका नरिशमेंट किससे होता है वो बताते हैं। और 16वें चैप्टर में हमने देखा कि ये जो 2 एक्सट्रीमिटीज है, गॉडली एंड डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स,
उस पेड़ की, उसके बारे में आया। और फिर ये वो बीच में का प्रश्न, जैसे माता जी ने बोला कि स्कूल में के वो बीच में के बच्चे जो ना उधर है ना इधर है, उनको कैसे ये करें। तो दैट इज व्हाट, कि जो स्क्रिप्चर से वेदों से आगे नहीं कर नहीं पा रहे हैं, बट जो सेल्फिश डिजायर से नॉट मोटिवेटेड भी है, उनका क्या होगा। तो ये बहुत ही सुरेला प्रश्न, बहुत ही प्रमुख प्रश्न अभी यहाँ उपस्थित हो चुका है, जिसे आगे आने वाले जो श्लोका है उसमें काफी अच्छे से ये समझाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। लास्ट मोमेंट पे वी हैड टू हैव यू रिप्लेस्ड, क्योंकि हमारे जो स्पीकर थे वो अवेलेबल नहीं थे। सो थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे कृष्णा। कोटि वैष्णव।